हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी। तो इस वीडियो में ये वीडियो नंबर 3 है हमारे साथ नंबर एनएमआर पिक्स का, ठीक है, कि हम किस तरह एनएमआर पिक्स पॉइंट करते हैं। ये वीडियो नंबर 3 है, बाकी 2 वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पॉइंट कर सकते हैं या ऊपर आई के बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं, इसमें हम 3 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और ये थोड़ा डिफरेंट है, मतलब हमने वो 2 लेक्चर जो किए ना उससे थोड़ा डिफरेंट है। अगर आपको इस तरह आ जाए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, और फिर यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3 एंड यहाँ पर H, यहाँ पर H, ओके। देखिए इसके CH3 के सामने इसका क्या है, इसका सिस है, ठीक है, इसको अपोजिट है, इसका मतलब इसके सामने जो इसका सिस है, ठीक है। अब इसके यहाँ पर इसका क्या है, इसका ट्रेंस है, ठीक है, इसका ट्रेंस है, ट्रेंस। इसी तरह इस CH3 का ये सिस है और इस CH3 का ये ट्रांस है, ठीक है ना। तो दोनों का सेम आ रहे है, मतलब इसका जो सिस है, ठीक है ना, मतलब इसका जो सिस है वो इसका भी है और इसका जो ट्रांस है वो इसका भी है, मतलब तो दोनों जब सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है, मैं आपको बताऊं कि इस सब को हम ए मानेंगे, ठीक है, क्या मानेंगे, इसको ए और इसको भी ए मानेंगे। बिकॉज मैंने आप लोगों से कहा कि इसका जो सिस था, ठीक है ना, इसका सिस ये था, ठीक है, और इसका ट्रांस ये था, बट इसका जो सिस था वो ये था, ठीक है, और इसका ट्रांस ये था, तो दोनों सेम बिहेवियर शो कर रहे हैं। ये जो बिहेवियर शो कर रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला वो ये भी शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इस केस में क्या होगा कि इस कार्बन को जो भी जितने भी अटैच होंगे, ठीक है ना, मतलब जितने भी मिथाइल ग्रुप्स अटैच होंगे, ठीक है ना, ये जो हाइड्रोजन अटैच है इस कार्बन को, ये तो एज अ सेम ए काम करेंगे, ठीक है, ये भी एज अ सेम ए, ठीक है ना। फिर इस कार्बन को जितने मिथाइल, इसको हम फिर ए कंसिडर करते हैं, इसे ओनली ए इससे लेते हैं, ठीक है ना, ये होगा बी तो ये भी बी होगा, बिकॉज ये सेम उस एक ऐसे कार्बन को अटैच है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसके दोनों कार्बन का बिहेवियर सेम है हमारे साथ, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे साथ एक ए होगा एक बी होगा, तो इसमें दो है, दो एनएमआर पी के, ठीक है। अच्छा, एक तो ये एग्जांपल हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, ठीक है, इंटरेस्ट लेवल के लिहाज से, ओके, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे साथ है सेकंड एग्जांपल, ये देखिए सेकंड एग्जांपल हमारे साथ है सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर होता है हमारे साथ CH2 Br, ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ हाइड्रोजन एंड यहाँ पर हमारे साथ अनदर हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखिए इसका जो सिस है वो क्या है, वो ये, इसका ट्रांस ये, ओके, हम कह रहे, बट अगर इसकी बात मैं करूँ, इस कार्बन की, चलो इसकी बात करें, अब ये डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करूं तो इसका सिस ये है, इसका ट्रांस ये है, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन होना चाहिए था। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होता अकेले तो फिर ही उसका जो सिस था वो ये होता और इसका ट्रांस ये होता, ठीक है ना, अभी तो डिफरेंट है, ओके। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इस तरह होगा कि इसको हम डिफरेंट मानेंगे ए, इसको हम डिफरेंट मानेंगे बी, इसको हम डिफरेंट मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी अब उस ट्रांस वाला इसके जो बिहेवियर है वो इसकी नहीं है, ठीक है ना, इस कार्बन के जो इस हाइड्रोजन की जो बिहेवियर है, ठीक है ना, वो इस हाइड्रोजन की नहीं है, इस कार्बन के मतलब दोनों कार्बन की बिहेवियर डिफरेंट है, ठीक है ना, तो इसको मैं ए मानूंगा, इसको बी मानूंगा, इसको सी मानूंगा और इसको डी मानूंगा, ठीक है। तो हमारे साथ 4 एनएमआर पिक्स आ गए, हाइड्रोजन एनएमआर पिक्स, 4 हाइड्रोजन एनएमआर पिक्स। अब अगर मैं कार्बन एनएमआर पिक्स की बात करूं तो मैंने आप लोगों से कहा कि इस कार्बन की बिहेवियर अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, ठीक है ना, तो ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा, तो 3 कार्बन एनएमआर पिक्स है इसमें, कार्बन 13 जिसको हम कहते हैं, कार्बन 13 एनएमआर पिक्स, ओके। ये तो हो गया सेकंड एग्जांपल, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम जो 3 एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप इसको ऐसे ही याद कर ले, ठीक है ना, तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है ना, आपको वो जो अटैच एटम से कार्बन को उसको चेंज कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन आप लोगों ने इस मेथड को फॉलो करना है। अब इसको देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर हमारे साथ एच है, फिर यहाँ पर हमारे साथ Cl है, ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे साथ H है, फिर यहाँ पर हमारे साथ Cl है, हो गया। अच्छा, तो देखिए इस कार्बन को, मतलब अगर इसका जो क्या कहते हैं ट्रांस, वो ये है, इसका सिस ये है,
तो इसके क्या होता है, इसके सिस में क्या आता है, इसके सिस में आता है हमारे साथ क्लोरीन, और इसके ट्रांस में आता है हमारे साथ क्या, हाइड्रोजन। अब इसकी बात करते हैं, इस हाइड्रोजन की बात करते हैं, इस हाइड्रोजन के सिस में क्या आता है, इस हाइड्रोजन के सिस में भी सीएल आता है और इसके ट्रांस में भी हाइड्रोजन आता है। तो मतलब ये कि ये दोनों अगर मैं बात करूँ तो सेम बिहेवियर शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। आप इस तरह भी कह सकते हैं अपनी आसानी के लिए, अगर यहाँ पर दोनों सेम हो तो यहाँ पर भी दोनों सेम होने चाहिए, एक बात हो गई। अगर इस साइड इस तरह दोनों सेम हो तो इस तरह भी दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हमारा पहला एग्जाम्पल था, ठीक है ना, इसमें क्या था, ये दोनों अगर सेम है तो ये दोनों भी सेम है, तो उसी केस में हम इनको एक मान लेते थे और इसको दूसरा मान लेते थे। बट इस केस में अगर आप देखें ना, तो ये इस तरह इसके साथ सेम है, देखिए ना, इसके साथ सेम है, इसके साथ नहीं, इस तरह ये तो सेम है लेकिन ये दोनों तो सेम नहीं है। तो इस एग्जाम्पल को देखिए, ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है, तो इसको मैंने एक ट्रिक के थ्रू आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन को फिर ए मानूंगा, इसको भी फिर ए मानूंगा, तो एक सिग्नल ये देंगे हमें, कितने सिग्नल देंगे, एक सिग्नल देंगे, ओके। तो होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ गया होगा, हमने तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कर लिए, ठीक है ना। और हो सकता है इससे एनएमआरएफ से भी क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, ठीक है ना, ओके। हमने हर किस्म का टिप क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, और भी एनएमआर जो हमारे साथ एनालिटिक केमिस्ट्री का है, ठीक है ना, उसके जितने भी टफ क्वेश्चन है, ठीक है ना, उनशाला हम यहाँ पर ट्रिक के थ्रू डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।